नेक्स्ट चीज हो गया फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ ध्यान, ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार बात। एंड आगे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्या आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारा इसी पे बेस्ड होना है, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, ईडी, ठीक है ना, ईडी भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको ईपी लिखते हैं, एक ही बात है। जैसे हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ही चीज होगी, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड करेंगे परसेंटेज। चलो एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, छोटे से एग्जांपल, एक हुआ प्राइस, एक हुई क्वांटिटी डिमांडेड, कुछ भी बोलो प्राइस, राउंड फिगर में 150 अगर प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 4। और अगर प्राइस बढ़ गया, लेट अस अज्यूम 200 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी, तो कुछ भी फिगर बोल दो, 2 हो गए, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन थी, अब ये सिचुएशन थी, वो बोल रहा है कैलकुलेट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अभी भी यही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि एक आइटम का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अब ध्यान से देखना, डेल्टा क्यू क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, क्यू क्या होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी, एक हो गया ओरिजिनल क्वांटिटी, एक हो गया न्यू क्वांटिटी, तो इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं पी वन, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं क्यू वन। डेल्टा पी क्या होगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। डेल्टा क्यू क्या होगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, इसको आप जीरो भी लिख सकते हो, जीरो मतलब ओरिजिनल हो गया, और सिर्फ क्यू भी लिख सकते हो, वो एक ही बात, कोई डाउट। तो क्यू जीरो ओरिजिनल, क्यू वन न्यू, आपकी मर्जी है कैसे डिनोट करना है, समझना है कि ओरिजिनल और न्यू में जो डिफरेंस है वो चेंज होता है, कि पहले प्राइस, अभी नया प्राइस क्या है 200, पुराना प्राइस क्या था 150, तो प्राइस बढ़ा है या गिरा है, बढ़ा है, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू आई कि चेंज इन प्राइस इज 50। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, न्यू क्वांटिटी 2, पहले क्या थी 4, तो डेल्टा क्यू इज -2। चेंज कैसे निकाला इसमें, किसी कोई डाउट। अब परसेंटेज चेंज पे आते हैं, परसेंटेज चेंज, क्वांटिटी चेंज हुई 2 से, बट परसेंटेज चेंज चाहिए हमें, तो हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 100। चेंज इन क्वांटिटी कितना है 2, माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 4 इनटू 100, तो परसेंटेज चेंज क्या आया, -50%, यस और नो, कोई भी डाउट। अब मैं बोलूं आपसे कि अच्छा बताओ परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आया,
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो डेल्टा पी क्या था, प्राइस आपका चेंज हुआ 50 से, ओरिजिनल प्राइस क्या था 150 इंटू 100, तो ये 1/3 हो गया। 1/3 मतलब 33.33%। कोई भी डाउट? तो अगर मैं पूछूँ इलास्टिसिटी कितना है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ आई बात? तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, आप यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ सकते। तो 50 डिवाइडेड बाय 33.33, 1.5, 1.5 क्या आ गया, 1.5। तो ये हो गया आंसर कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5। कोई डाउट गौतम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ओके। क्या था ये, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज मेथड से, परसेंटेज मेथड से डिराइव हुआ क्या, डिराइव हुआ प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड से ही क्या डिराइव हुआ, प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से देखिए,